नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप MI के किसी भी फ़ोन में जो है अनवांटेड स्पैम मैसेजेस को जो है या फिर किसी भी मैसेज को जो है कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मैसेजिंग ऐप को देखें MI की, तो जो है यहाँ पे सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे कहीं भी देखें तो जो है SMS ब्लॉक करने का जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे में जो है यूज़र्स जो कि MI Redmi का फ़ोन यूज़ करते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि SMS ब्लॉक करने का इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअल में मैसेजिंग ऐप में। बट दोस्तों, MI के फ़ोन में कैसे इसमें एक तरीका है और वो कैसे यूज़ करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर जो डायलर है उसमें जाना है हमें। हमने डायलर पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे जो है तीन लाइनें बनी हुई हैं डायलर के साइड में, ये हमने क्लिक करी। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो जो है मेनू ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस सेटिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो है ब्लॉक लिस्ट दी हुई है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लॉक लिस्ट पर, और यहाँ पर जो है ब्लॉक लिस्ट हमें जो है इसको एक्टिवेट कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक्टिवेट इसे नहीं करेंगे तो हम ब्लॉक भी कर देंगे ना किसी को, तो जो है वो ब्लॉक नहीं होगा एक्चुअल में, इसे एक्टिवेट करना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, SMS आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड ब्लॉक लिस्ट, कीवर्ड एक्सेप्शन। कीवर्ड एक्सेप्शन का मतलब है यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड डालेंगे उस कीवर्ड के जो है SMS ब्लॉक नहीं होंगे, और कीवर्ड ब्लॉक लिस्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे जिस भी जो भी आपको अनवांटेड स्पैम मैसेजेस आते हैं जो कि रेगुलर आते हैं, आपने देखा होगा कंपनियों के जैसे ड्रीम इलेवन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनके मैसेज अगर आप यूज़ करते हैं इनको, आपने कभी भी अपना मोबाइल नंबर इनको दिया है किसी भी कंपनी को, तो जो है आपको स्पैम मैसेजेस देखने को मिलेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बार बार SMS चेक करो नोटिफिकेशन आता है, तो ये एक बहुत बड़ी इशू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मैंने कीवर्ड डाल रखे हैं। अब यहाँ पे जो है आप जो भी मैसेज आता है आपको उसका बस कीवर्ड डाल दीजिए, आप एक कोई भी एक कीवर्ड उसमें है, बस इतने में जो है आपका मैसेज जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा ऐड का ऑप्शन, यहाँ ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो अब देख लीजिए, मान लीजिए आपको ड्रीम इलेवन से मैसेज आते हैं अनवांटेड, तो आपको यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड डालना है ड्रीम और इलेवन, ड्रीम इलेवन, बस इतना ही, और सेव कर देना है, और वो जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा कीवर्ड में। अब जब भी कोई मैसेज आएगा ड्रीम इलेवन से, फ्लिपकार्ट से, जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वो जो है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस जितने भी कीवर्ड से मैसेज आते हैं फालतू, तो आपको यहाँ ऐड कर दीजिए और ब्लॉक SMS आना बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन भी है ब्लॉक SMS फ्रॉम कॉन्टैक्ट, इसके अलावा कीवर्ड एक्सेप्शन, मैसेज फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी अननोन से अगर ब्लॉक करना चाहते हैं कोई भी अननोन से, तो ब्लॉक कर दीजिए, किसी भी अननोन के मैसेज आएंगे ही नहीं जो कि आपकी लिस्ट फ़ोन लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो है आप कॉल ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे अगर आप कॉल्स ब्लॉक करना चाहते हो तो जो है कॉल ब्लॉक लिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी किसी भी अननोन नंबर से कॉल ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ बस क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑल कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स विल बी ब्लॉक्ड, सभी कॉल्स जो कि अननोन नंबर से आएंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट से ऑल कॉल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स विल बी ब्लॉक्ड, तो ऐसा मत करिएगा वरना सभी कॉल्स ब्लॉक्ड हो जाएंगी, हिडन नंबर्स से ब्लॉक। इसके अलावा ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे देखिए ब्लॉक्ड नंबर्स, आप यहाँ पे ये देखिए सभी कंपनी के नंबर्स हैं, इतने फालतू में कॉल्स आते हैं, आप देखिए कितने सारे नंबर ब्लॉक्ड हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप सिर्फ नंबर अगर अननोन कंपनी से आते हैं तो जो है वहाँ पे आप, यहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कॉन्टैक्ट स्पेशली कोई कॉन्टैक्ट को आप करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएगा, बाकी यहाँ से ज़रूरत नहीं है।